हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना है तो आई बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ऐड है वहां से भी आपको इसका प्रीवियस पार्ट मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आइए चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, एएसके कैपिटल मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री टू लॉन्च द इंडिया बेस्ड फंड एएसके इंडियन एंटरप्रेन्योर फंड थ्रू द यूसीआईटीज रूट। अब यूसीआईटीज क्या होता है? यूसीआईटी बेसिकली आपका एक फ्रेमवर्क होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आपका यूरोपियन यू कमीशन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो बेसिकली इसके थ्रू मैनेज करता है और सेल करता है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक की बात हो रही है यहाँ पे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरलैंड। और यूसीआईटीज का जो है उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरटेकिंग फॉर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन देयर ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीआईटीज। अब बात करते हैं एएसके कैपिटल की, तो इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनके इस कंपनी के जो है सीईओ का नाम है आपका समीर देव। क्या नाम है इनका? समीर देव इनका नाम है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर विच कंपनी हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। सो इस कंपनी का नाम है पेमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम है अजय एडिसन। ठीक है, क्या नाम है इनका? अजय एडिसन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज पोर्टल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स टू मॉनिटर वैल्यू एक्शंस ऑफ प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम क्या है? स्टॉक एक्स। और यहाँ पे जो इंडेक्स निकाला गया है इसका प्रॉपर नेम क्या है, पूरा नाम क्या है इसका? स्टॉक एक्स प्राइवेट मार्केट इंडेक्स। ठीक है, स्टॉक एक्स प्राइवेट मार्केट इंडेक्स, दैट इज SPMI। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर सेकेंड टाइम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम क्या है? एशले बैटरी। क्या नाम है इनका? एशले बैटरी। और ये जो है ये थर्ड ऐसी पर्सन बनी है जिन्हें ये अवार्ड जो है वो दो बार दिया गया है सेकेंड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टू पर्सन कौन कौन से हैं? तो इनका नाम है सैली पियर्सन, जिन्हें 2012 और 2014 में ये अवार्ड दिया गया था। वेर इज सेकेंड पर्सन है पोल वॉल्टर स्टीव हुकर, जिन्हें 2008 और 2009 में ये प्राइस दो बार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश हैज बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज बाय द इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एट द सेरेमनी ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस 2022 हेल्ड इन लिस्बॉन पोर्टुगल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेख हसीना, जो पीएम है बांग्लादेश के, इन्हें जो है बनाया गया है, ये फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज बनी है। ठीक है, और इन्हें 2 साल के लिए यहाँ पे एम्बेसडर जो है बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज सुष्मिता शुक्ला, जो इंडियन ओरिजिन की है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो इनका जो कार्यकाल है वो कब से स्टार्ट होगा? तो ये स्टार्ट होगा मार्च 2023 से। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एक्वायर्ड उड़ीसा बेस्ड मोनेट पावर कंपनी फॉर डैश करोड़। सो इन्होंने जो है इसे एक्वायर किया है कितने अमाउंट में? सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 410 करोड़ की अमाउंट में जो है जिंदल स्टील पावर ने एक्वायर किया है उड़ीसा बेस्ड मोनेट पावर कंपनी को। ठीक है, और एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है जेएसपी के, जिंदल स्टील एंड पावर के? तो इनका नाम है नवीन जिंदल नाम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन दिसंबर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज PSLV-XL रॉकेट मोटर नेम्ड PSOM-XL। सो बेसिकली जो PSLV-XL की जो मोटर है उसका सक्सेसफुली टेस्ट यहाँ पे किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको PSOM-XL मोटर जो है उसे डेवलप किसने किया है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसे जो है डेवलप किया है। और रिसेंटली जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है इन्होंने सेलेक्ट किया है HAL को और L&T को कंसोर्टियम के लिए 5 PSLV-XL रॉकेट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन दिसंबर पद्मश्री अवार्डी मनोहर देवदोस पास अवे इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड विद दी पद्मश्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 2020 में इन्हें जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। और इन यहाँ पे जो आपको नोट करने वाली चीज क्या है, दैट इज इन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो अपनी वाइफ के नाम पे जो है चलाया हुआ है। ठीक है, इनका नाम क्या है, इस ट्रस्ट का नाम क्या है? महिमा
महिमा देवादोस, महिमा देवादोस एंडोमेंट, ठीक है, क्या नाम है इसका, महिमा देवादोस एंडोमेंट। ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो इन्होंने जो है चलाया है वो किसके लिए है, जिसमें आई रिलेटेड डिजीजेस के लिए यहाँ पे जो है ये मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। और इन्हें जो पद्मश्री दिया गया था वो भी इसी काम के लिए दिया था, क्योंकि इनका जो इंस्पिरेशनल वर्क है, ठीक है, चैरिटी का और आर्ट के लिए इनको बेसिकली ये जो पद्मश्री है वो दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, स्पेसएक्स रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च हाउ मेनी वन वेब ब्रॉडबैंड रिले सैटेलाइट्स फ्रॉम द स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट इनटू अ पोलर ऑर्बिट। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40 सैटेलाइट्स यहां से लॉन्च की गई है। और अगर हम बात करें सीईओ की, स्पेस एक्स की, तो सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है एलन मस्क। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्पेस एक्स का, तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड फिट एट एनी एज प्रैक्टिशनरी गाइड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीवी अय्यर, जो आपके रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, इनका इन्होंने ये बुक लिखी है और लॉन्च की है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन नेवी एनुअली ऑब्जर्व द सबमरीन डे ऑन, सो सबमरीन डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 8 दिसंबर को, टू कॉमरेट द इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट सबमरीन जिसका नाम था आईएनएस कलवरी, ठीक है। आईएनएस कलवरी का मलयालम में मतलब होता है टाइगर शार्क। तो आईएनएस कलवरी जो है कमीशन की गई थी 1967 में, 8 दिसंबर 1967 को इसे कमीशन किया गया था, और 31 मई 1996 को इसे डे कमीशन कर दिया गया था, ठीक है। और फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट सबमरीन जो हमने लॉन्च की थी उसी की ही याद में हम जो है सबमरीन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का एडिशन कौन सा था, इस बार का एडिशन आपका था 55th एडिशन। और अगर हम बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है एट प्रेजेंट, तो इनका नाम क्या है, आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ऐड डैश गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 ईयर 2022 से 2027 तक विद द सोलर एनर्जी अकाउंटिंग फॉर 75%। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 145 गीगावाट की जो इसके गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हम नेक्स्ट 5 ईयर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा, दैट इज जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमें करनी है बाय 2030, तो इसमें हमें उससे मदद मिलेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आपके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, तो इनका नाम क्या है, फेती बिरोल, नॉर्डी बरोल बिरोल, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पे है, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यू सर्विलियंस सिस्टम दैट इज ग्लास रिपोर्ट 2022, ओवर 50% ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर बिकमिंग रेसिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट, द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल एट प्रेजेंट कौन है, इनका नाम क्या है, टेड्रोस एडनॉम, ठीक है, क्या नाम है, टेड्रोस एडनॉम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, सो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 दिसंबर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम क्या है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड अ फ्रेमवर्क अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज AIFs इन इंडिया टू रेज मनी फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट इज FPIs। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी इस ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है इशू किया है फ्रेमवर्क AIF के लिए, ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, ताकि जो है मनी रेज किया जा सके फ्रॉम दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। सेबी के एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, सो जो मधाबी पुरी पूछ है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है सेबी की। और इन्हें रिसेंटली जो है इनका नाम जो है इंक्लूड किया गया था फोर्ब्स 100 पावरफुल वुमेन में, और इनका रैंक कितना था, 54th रैंक, ठीक है। और इंडिया के और इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनका भी नाम जो है 100 पावरफुल वुमेन में आया था, जो फोर्ब्स फोर्ब्स का 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट होती है, ठीक है, और उनका रैंक था 36th रैंक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लॉन्च होम लोन स्कीम नेम्ड डैश फॉर टीयर वन एंड टीयर टू सिटीज टू अप्लाई फॉर अ लोन रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 30 लाख। सो इस स्कीम का नाम क्या है, इस स्कीम का नाम है आपका रोशनी, ठीक है। कौन सी होम लोन स्कीम है जिसका नाम है रोशनी, और जो आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, इन्होंने जो है डिफरेंट सिटीज में जो है ब्रांचेस ओपन किए हैं इस स्कीम के लिए। कौन कौन सी ब्रांचेस, सॉरी कौन कौन सी सिटीज में ब्रांचेस ओपन की गई है, चेन्नई, वाराणसी,
लखनऊ, इंदौर, राजकोट, मुंबई, नागपुर, पुणे, ठीक है। एंड अगर हम सीईओ की बात करें, एमडी एंड सीईओ कौन है आपके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के, तो इनका नाम है गिरीश कोसुगी। क्या नाम है? गिरीश कोसुगी। नाउ नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड द 250 मिलियन यूएस डॉलर पॉलिसी बेस्ड ऑन लोन टू स्ट्रेंथनिंग द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अप्रूव किया है यहाँ पे 250 मिलियन लोन? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, किसने अप्रूव किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है, ताकि और जो ये लोन है बेसिकली इंडिया इसे कहाँ पे यूज करने वाला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मॉडर्न, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको मॉडर्नाइज करने में, और मेनली जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, ठीक है, किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए इस लोन को जो है यूज किया जाएगा। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है, मैंडलियोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है? मसद सुगु असकावा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक रिसेंटली इन डिसम्बर साइन अ पैक्ट विद बालाजी अलायंस लाइफ इंश्योरेंस टू गेट इन टू स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। ठीक है, सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है पैक्ट साइन किया है? तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड, जिसके सीईओ कौन है? एस कृष्णन। क्या नाम है इनका? एस कृष्णन इनका नाम है। और रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था दैट इज जो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है, इन्होंने बैंक इंश्योरेंस की थी दो कंपनीज के साथ। कौन कौन सी कंपनीज है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एक है आपकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और दूसरी है चोला मंडलम। क्या नाम है इनका? चोला मंडलम एमएस जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है, इन दोनों के साथ जो है बैंक इंश्योरेंस इन्होंने साइन किया था। और रिसेंटली हमने पढ़ा था जो आरबीआई है, आरबीआई ने ऑथराइज किया है तमिलनाडु बैंक को टू अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर नोमुरा प्रोजेक्शंस इंडियाज जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2024। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2024 की, वो आपकी होगी 5.1% की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द 2022 हुरुन ग्लोबल 500 इंडिया सिक्योर डैश पोजीशन विद द 20 इंडियन फर्म्स। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इंडिया की जो रैंक है वो फिफ्थ रैंक है, ठीक है, 2022 में। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी नाइन्थ रैंक, और जो कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड थी वो थी आपकी एट कंपनीज। ठीक है, कितनी कंपनीज थी? एट कंपनीज, और अभी ये इंक्रीज होके 20 इंडियन फर्म्स यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड थे। ठीक है, वेयर इज अगर हम बात करें इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलाबरेशन विद दी जेक्सिंग सिटी इन द ईस्ट चाइना। ठीक है, और टॉप थ्री अगर हम कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर नाम था आपका यूएसए का, देन चाइना, एंड थर्ड इज योर जापान। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री कंट्रीज कौन सी हो गई? यूएसए, चाइना, जापान, एंड फोर्थ नंबर पे थी आपकी यूके, और फिफ्थ नंबर था आपका इंडिया का। और अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करें, टॉप थ्री कंपनी कौन सी थी? पहली आपकी थी एप्पल, ठीक है, सेकेंड आपकी थी माइक्रोसॉफ्ट, एंड थर्ड कंपनी जो थी ये आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है जिनका नाम क्या है? अल्फाबेट। ठीक है, और वेरियस अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री इसका नाम था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टीसीएस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ जी, सेकेंड आपका जो है, सेकेंड क्या है? सेकेंड कंपनी है टीसीएस, जिसकी रैंक आई है 65th, और एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी बैंक का नाम था थर्ड नंबर पे अगर इंडियन की, इंडियन फर्म्स की लिस्ट की बात करें। ठीक है, सो फर्स्ट थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, थर्ड 34th रैंक, टीसीएस 65th रैंक, एंड एचडीएफसी बैंक की रैंक थी आपकी 111th रैंक। Now next question is name the state that has received an award for best practice in the tuberculosis advocacy, communication and social mobilization at the national workshop on the ACSM to end the TB in the India held in New Delhi, Delhi. So correct answer यहाँ पे आपका है, ये award दिया गया था मेघालय को। ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा आपका? Option number A। और इन्हें जो है, इनका, इन्होंने जो है initiative launch किया था TB मुक्त भारत campaign, या बोल सकते हो जन आंदोलन against the ट्यूबर क्लॉसेस इन्होंने लॉन्च किए थे। इस इनिशिएटिव के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, मतलब मेघालय को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनके कैंपेन के लिए। ठीक है, और अगर हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है? कॉनराड के संगमा। ठीक है, क्या नाम है? कॉनराड के संगमा। और आपको यहाँ के जो है गवर्नर भी पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का पूछा जा सकता है। तो गवर्नर कौन है इनके? बी डी मिश्रा। क्या नाम है इनका? बी डी मिश्रा। Now next question is name the personality who has won the World Badminton Federation Female Para Badminton Player of the Year 2022. So correct answer यहाँ पे आप
आपका है ऑप्शन नंबर सी, मनीषा रामदास इनका नाम है। बाकी अगर हम टाइटल की बात करें, सो पैरा बैडमिंटन पेयर ऑफ द ईयर जो है दिया गया है थॉमस वेंसिंडर एंड रिक कॉर्नल हेलमेन को, जो जर्मनी के प्लेयर हैं। मेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर डैकी किजिवारा जापान। मेल प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एलेक्सन डेनमार्क। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर एकेने यामागुची जापान। पेयर ऑफ द ईयर जेंग सी वेन और हुआंग या क्विंग जो चाइना के हैं। एडी चुंग मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कोडी नोराको जापान। मोस्ट इंप्रूव प्लेयर ऑफ द ईयर फजर अल्फेन मोहम्मद रियान एडी एंटो इंडोनेशिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश हैज बीन नेम्ड एज अ इंटरिम चेयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। सो इनका नाम क्या है, निहार मालविया को जो है इन्हें बनाया गया है, निहार मालविया को बनाया गया है इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेंगुइन रैंडम हाउस, बिकॉज जो इनसे पहले दैट इज जो इनसे पहले आपके चेयरमैन थे, इनका नाम क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्कस डोले, इन्होंने अभी क्या है रिजाइन दे दिया है, ठीक है। इस वजह से इन्हें निहार मालविया को जो है इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव इसका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीविजन चैनल इज सेट टू बी अ ऑफिशियल सैटेलाइट पार्टनर ऑफ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 जो हेल्ड होगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है, 20 फेब्रुअरी को ये आपका होस्ट किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है ऑफिशियल सैटेलाइट पार्टनर बना है किसका, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च अ घर पोर्टल फॉर द रिस्टोरेशन एंड रिपार्टिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने डेवलप किया है इस पोर्टल को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, गो होम एंड रीयूनाइट। क्या नाम है, गो होम एंड रीयूनाइट, ये आपको पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। और इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के दिन जो होता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन दिसंबर सक्सेसफुली कंडक्टेड अ जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल अलॉन्ग विद द हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ दैट इज HQIDS। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया था जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल को, ठीक है। और इसरो जो है, इसरो ने रिसेंटली जो है कंडक्ट किया था 11 सेकेंड लॉन्ग हॉट टेस्ट द स्क्रामजेट इंजन, ठीक है, स्क्रामजेट इंजन का भी जो है यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3D बायोप्रिंटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलॉन्ग विद द सेल लिंक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो आपका कर्नाटका में है। यहाँ इस कैंपस में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है, इंडिया का पहला 3D बायोप्रिंटिंग सेंटर। और जो सेल लिंक है ये ग्लोबल लीडर है जो डेवलप करती है 3D बायोप्रिंटर्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स वर एडेड इनटू अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन नेचर्स रेड लिस्ट। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये तीनों ही प्लांट जो हैं वो आपके रेड लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं IUCN के, ठीक है। पहला आपका प्लांट क्या प्लांट है, मेसिट्रोपिस पेलिटा, जिसका कॉमन नेम है पतवा। नेक्स्ट इज फ्रीटिलारिया किरहोसा, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेक्टी लोरिजा हैटागिरा, जो जिसका कॉमन नेम क्या होता है, सलाम पंजा, ठीक है। तो ये तीनों ही जो प्लांट है इन्हें इंक्लूड किया गया है आपका IUCN की रेड लिस्ट में, जिसका हेडक्वार्टर आपका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टरी जनरल कौन है, इनका नाम है ब्रूनो, क्या नाम है, ब्रूनो ओबिरले, ठीक है, क्या नाम है, ब्रूनो ओबिरले। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th of December को, और इसकी थीम आपकी थी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन इन वन डे इंटरनेशनल, ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्ड बाय वेस्ट इंडीज क्रिकेटर क्रिस गेल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईशान किशन ने वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है क्रिस गेल, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये फोर्थ ऐसे इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने जो है डबल सेंचुरियन बनाया, फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन बनाया है ODI में, दैट इज वन डे इंटरनेशनल में, ठीक है। आपके कौन कौन से प्लेयर हैं जो ऑलरेडी इस सेंचुरी को बना चुके हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी को, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ठीक है। और फोर्थ आपके बने हैं ईशान किशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोपा नॉर्थ गोवा विच वॉज बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,870 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, दैट इज पीएम मोदी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया था, और इस एयरपोर्ट का नाम जो है वो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, जो फॉर्मर सीएम थे गोवा के, ठीक है, जो फॉर्मर सीएम थे गोवा के उनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। और अगर एट प्रेजेंट सीएम की बात करें तो एट प्रेजेंट सीएम कौन है गोवा का, प्रमोद सावंत इनका नाम है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पीएम मोदी ने एड्रेस की थी सेरेमनी 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की, ठीक है, जो हेल्ड आपका कहा गोवा में हेल्ड किया गया था, और इसकी थीम क्या थी, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और इसके साथ साथ इन्होंने 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट जो है वो इनॉग्रेट किए हैं, पहला आपका गोवा में इनॉग्रेट किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्चुअली जो है इन्हें इनॉग्रेट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टूल किट ऑफ इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया रिपोर्ट, वुमेन आर अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। द रिपोर्ट वॉज रिसेंटली इन डिसम्बर रिलीज बाय डैश। सो इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने, और यहाँ पे जो है 84% वुमेन जो है वो ट्रैवल करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के आपके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, डेविड रॉबर्ट मालपास, ठीक है, क्या नाम है, डेविड रॉबर्ट मालपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वाज रिसेंटली इन दिसंबर कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। तो कौन सा ये एडिशन था, तो ये था आपका 39th एडिशन, और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 8th ऑफ दिसंबर को ये इस कॉर्पोरेट की जो है शुरुआत हुई थी, और 19 दिसंबर तक ये आपका चलेगा, और ये अभी हेल्ड कहाँ पे हो रहा है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है INS करमुख जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, INS करमुख, ठीक है, एंड डोरिनॉर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे INS करमुख के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है इस कॉर्पोरेट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया टू लॉन्च द 6th परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट द एनुअल ग्रांट प्रोग्राम फॉर द सोशल स्टार्टअप। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इंडिया के फ्लैगशिप इनिशिएटिव के साथ स्टार्टअप इंडिया के लिए, और यहाँ पे ये इसे जो ये स्टार्टअप्स होंगे इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एट प्रेजेंट जो है CEO कौन है आपके HDFC बैंक के, इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। नाउ नेक्स्ट इज, who has been conferred with the 25th South Indian Education Society Shri Chandrasekhar Saraswati National Eminence Award for Public Leadership। So ये award दिया गया है जो former Vice President थे हमारे वेंकैया नायडू को, ठीक है। तो answer आपका क्या हो जाएगा, option number D। और इन्हें जो ये award है basically ये कौन कौन सी field में दिया जाता है, Public Eminence, Community Leadership, Science and Technology, Social Thinkers एंड दी इंटरनेशनल कैटेगरी। इन कैटेगरीज में से जो है दिया जाता है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इन अवार्ड्स की 1998 में इनकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं पब्लिक लीडरशिप की, आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं केरला के। कम्युनिटी लीडरशिप रत्न टाटा को दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर मारथंडा वर्मा, शंकर वेलिनाथन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेकेंड अवार्ड दिया गया है अजय कुमार सूद जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप में ये अवार्ड दिया गया है विशिखा हरि हरखता जो एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूपेंद्र पटेल वॉज सॉन इन एज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सो जो भूपेंद्र पटेल है ये सेकेंड कंसेक्यूटिव जो है सीएम बने हैं, और ये बने हैं 18th सीएम गुजरात के, ठीक है। और गवर्नर कौन है गुजरात का, आचार्य देवव्रत इनका नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इनका नाम है PT उषा। और ये पहली ऐसी जो है फर्स्ट ओलंपियन और फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनी है जिनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन दिसंबर दालमिया सीमेंट टू एक्वायर सीमेंट असेट ऑफ जेपी ग्रुप फॉर डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, 5,666 करोड़ में इन्होंने जो है असेट खरीदे हैं जेपी ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन फॉर अ 3 ईयर टर्म। सो प्रसार भारती के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है, सुनील। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर क्वालालंपुर मलेशिया में है, और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, मसगा, क्या नाम है, मसगा की सत्तो रू। ठीक है, मसगा की सतरू उनका नाम है, और ये प्रेसिडेंट है किसके, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सुनील, जो प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।